वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम्स हेल्प। मैं सना सैफी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 111 का सॉल्व असाइनमेंट, जिसका टाइटल है मनोवैज्ञानिक विकारों को समझना। यह हमारा सॉल्व असाइनमेंट है 2021-22 के स्टूडेंट के लिए। हमारे यहाँ गेट एग्ज़ाम नोट्स, गेस्ट पेपर एंड हेल्प बुक्स प्रोवाइड करते हैं। यदि आपको चाहिए तो प्लीज़ हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए। हमने अपना व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दे रखा है, प्लीज़ हमें उस पर जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो अब मैं दिखाऊंगी आपको BPCC 111 का सॉल्व असाइनमेंट। सो हम आ गए अपने सॉल्व असाइनमेंट की ओर। ये हमारा कोड है BPCC 111, जिसका टाइटल है मनोवैज्ञानिक विकारों को समझना। यह हमारा सैनरी सॉल्व असाइनमेंट है 2022-23 के स्टूडेंट के लिए। लेकिन ये हमारा डिस्क्लेमर है। अब मैं दिखाऊंगी आपको इसका क्वेश्चन पेपर। सो ये हमारा क्वेश्चन पेपर है। सो चलते हैं अपने सॉल्यूशंस की ओर। इसमें हमें नोट दिया हुआ है कि हमें ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। ये हमारा कार्य फर्स्ट है। इसमें हमें एक नोट दिया हुआ है, इसमें बोला गया है निम्नलिखित वर्णनात्मक श्रेणी में प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर लगभग 500 शब्दों में दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 20 अंकों का है। सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि ये रेड कलर में लिखा हुआ है। प्लीज़ आप अपने ही सीखने के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अपने ही इस क्वेश्चन को ब्लैक पेन से लिखिए एंड देन आंसर को ब्लू पेन से। सो अब चलते हैं अपने आंसर की ओर। ये रहा हमारा आंसर। आप प्लीज़ अपने आंसर को लिखते जाइए। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ ताकि आपको आसानी हो लिखने में, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ नहीं आती है तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपकी हेल्प करूँगी उसमें। आप प्लीज़ अपने आंसर को लिखते जाइए। सो यहीं तक हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो चुका है। अब मैं दिखाऊंगी आपको इसका सेकंड क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है दुर्गति क्या है, दुर्गति के कारण पर चर्चा कीजिए। सो चलते हैं अपने आंसर की ओर। ये रहा हमारा आंसर। सो आप प्लीज अपने आंसर को लिखते जाइए। सो यहीं तक हमारा क्षत्रिय कार्य फर्स्ट के ऑल पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं दिखाऊंगी आपको क्षत्रिय कार्य सेकंड के क्वेश्चंस। इसमें हमें नोट दिया हुआ है निम्नलिखित संक्षिप्त श्रेणी के प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर लगभग 100 शब्दों में दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों के नियत हैं। तो अब चलते हैं अपने ये थर्ड क्वेश्चन की ओर। इसमें बोला गया है मानसिक विकारों की वर्गीकरण प्रणाली की चुनौती को का वर्णन कीजिए। सो चलते हैं अपने आंसर की ओर। ये हमारा आंसर है। यहीं तक हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो चुका है। अब मैं दिखाऊंगी आपको इसका फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व संरचना का वर्णन कीजिए। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ। आप प्लीज़ अपनी इस वीडियो को पॉज करके और उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने आंसर को लिख सकते हैं। सो आप प्लीज़ अपने आंसर को लिखते जाइए। सो यहीं तक हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो चुका है। अब मैं दिखाऊंगी आपको इसका फिफ्थ क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है मसलों को आवश्यकता पदानुक्रम की व्याख्या कीजिए। सो चलते हैं अपने आंसर की ओर। ये हमारा आंसर है। आप प्लीज़ अपनी इस क्वेश्चन और अपने आंसर को देखते जाएं ध्यान से। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ ताकि आपको आसानी हो लिखने में। यदि आपको इसका सॉल्व PDF परचेज करना है तो प्लीज़ हमारे इस गिवन नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए। हमने अपना व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दे रखा है।
यहीं तक हमारा BPCC 111 का सॉल्व असाइनमेंट कंप्लीट हो चुका है। यदि आपको अगर इसका सॉल्व असाइनमेंट चाहिए तो प्लीज़ हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। हमने अपना व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दे रखा है, आप प्लीज़ हमें उस पर जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। और अभी तक आपने हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको न्यू वीडियो का अपडेशन चाहिए तो प्लीज़ हमारे इस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।